नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको समुद्र में रहने वाले 10 ऐसे जीवों के बारे में बताने वाला हूं, जो समुद्री जीवों का शिकार करने के साथ साथ जमीन पर रहने वाले जीवों का भी शिकार करते हैं। जी हां दोस्तों, आपको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होगा, लेकिन इस वीडियो को अंत तक देखने के बाद आप इस बात पर यकीन करने लगेंगे। नंबर 1, कैटफिश। दोस्तों, साउथ वेस्टर्न फ्रांस में पाई जाने वाली यूरोपियन कैटफिश एक ऐसी इकलौती मछली है जिसने आसमान के परिंदों को भी शिकार बनाना सीख लिया है। दोस्तों, फ्रांस के एल्बी शहर में एक आइलैंड है जहां टॉर्न नाम के नदी पर कई कबूतर नहाने और पानी पीने के लिए झुंड में बैठते हैं, जिसमें से कुछ कबूतरों की जिंदगी का ये आखिरी नहान होता है। वो जब अपने धुन में मस्त रहती है तभी ये कैटफिश धीरे से आती है और किसी न किसी कबूतर को अपना शिकार बना लेती है। दोस्तों, सच में ये कैटफिश खतरनाक होने के साथ साथ बड़ी हिम्मत वाली भी होती है, क्योंकि इस तरह कोई भी समुद्री जीव सिर्फ एक बार का खाना खाने के लिए यूं अपनी जान जोखिम में डालकर कभी किनारे पर नहीं आता, लेकिन ये कैटफिश हर रोज यूं ही शिकार करने किनारे पर आती है। नंबर 2, टाइगर शार्क। दोस्तों, टाइगर शार्क को सिर्फ एक शिकारी कहना गलत होगा, क्योंकि ये प्योर स्कैवेंजर होते हैं, यानी ये सब कुछ खाते हैं। जो भी चीज आप इनके सामने रखते ये उसे खा लेंगे, यहाँ तक कि ये खराब बोतल, जहाज के टूटे टुकड़े, पुरानी टायर्स या फिर लाइसेंस प्लेट जो भी मिले उसे खा जाते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में एक टाइगर शार्क एक पक्षी को खाने की ताक में था, जब ये पक्षी आराम से आकर समुद्र की लहरों पर बैठता है तभी ये टाइगर शार्क धीरे से आता है और एक ही वार में इस पक्षी को खा लेता है। दोस्तों, ये टाइगर शार्क इस पक्षी पर जिस तरह झपटता है उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे खाते वक्त उसे पक्षी को चबाने की भी जरूरत नहीं पड़ी होगी। वैसे भी इनके दांत काफी लंबे और नुकीले होते हैं, जिससे कोई शिकार इनसे बच नहीं सकता। दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा था कि समुद्री जीव जमीन पर रहने वाले जीवों का भी शिकार कर सकते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नंबर 3, किलीफिश। दोस्तों, दिखने में ये मछली आपको छोटी और मासूम लग रही होगी। आपको लग रहा होगा कि इतनी छोटी मछली कैसे पानी के बगैर रह सकेगी और जमीन पर शिकार कर सकेगी, पर दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अफ्रीका के तालाबों और नदियों में रहने वाले ये इकलौती ऐसी मछली है जो पानी के अंदर और बाहर दोनों जगह रह सकती है। हालांकि इनकी उम्र 2 से 5 साल तक ही होती है, लेकिन इनकी एक खासियत ये भी है कि ये पूरे 2 महीने तक पानी के बाहर जिंदा रह सकती है। और दोस्तों, जाहिर है अगर ये मछली जमीन पर रहेगी तो जमीन पर रहने वाले जीवों का ही शिकार करेगी। आमतौर पर जो भी जीव इनके मुंह में फिट हो जाए ये उनका शिकार करते हैं। अभी तक इन्हें खटमलों और कुछ कीड़ों का शिकार करते पाया गया है। नंबर 4, स्नेक हेडफिश। दोस्तों, अमेरिका के नदियों में रहने वाले इस मछली का नाम स्नेक हेडफिश इसलिए है क्योंकि इनका सिर सांप की तरह और बाकी शरीर मछली की तरह होता है, और ये इकलौती ऐसी मछली है जिसे जमीन पर सांप की तरह रेंगते हुए रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें ये किसी जमीन पर रहने वाले जीव का शिकार कर रही है। दोस्तों, इस मछली को सभी मछलियों में से सबसे ज्यादा साहसी माना जाता है, क्योंकि ये शिकार करने के लिए पानी जो कि इनका घर है उसे छोड़कर जमीन पर आती है। दोस्तों, अभी तक इन्हें चिड़ियों, चूहों और यहाँ तक कि सांपों का शिकार करते हुए देखा गया है। नंबर 5, कोकोनट क्रैब। दोस्तों, वैसे तो केकड़े पानी में रहने वाले जीव हैं, पर कोकोनट क्रैब एक ऐसा केकड़ा है जो जमीन पर भी रहता है। और दोस्तों, एक बार एक कोकोनट क्रैब को एक सीबर्ड का शिकार करते रिकॉर्ड किया गया था। इस वीडियो क्लिप में एक कोकोनट क्रैब एक सीबर्ड के अंदर अपने नुकीले पैरों को घुसाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, काफी देर तक ये केकड़ा इस सीबर्ड को अपने पंजों में दबाए रखता है। काफी देर तक ये सीबर्ड लड़ने और भागने की कोशिश करती है, पर उसकी सारी कोशिश बेकार हो जाती है और आखिर में वो दम तोड़ देती है। सच में ये नजारा काफी दर्दनाक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर इस वीडियो को 500 से ज्यादा लाइक्स मिलते हैं तो मैं इस वीडियो का सेकंड पार्ट भी लाऊंगा। तो दोस्तों, साथ इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।